हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के इस क्लासरूम प्रोग्राम में। इस समय हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में मोशन इन प्लेन का एक टॉपिक है, प्रोजेक्टाइल मोशन, या इसी को बोलते हैं मोशन इन 2D, यानी कि 2 डायमेंशन। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं वेक्टर के बारे में पूरी चीज़ें, अब आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रक्षेप्य गति, हिंदी मीडियम वाले हताश ना हो, निराश ना हो, ये ना सोचें कि केवल इंग्लिश वालों को ध्यान में रखते हुए काम किया जा रहा है, दोनों को ध्यान में रखते हुए काम किया जा रहा है, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रक्षेप गति क्या होती है? जब आप किसी पत्थर को फेंकते हैं या जब आप क्रिकेट खेलते वक्त बॉल को हिट करते हैं, तो बॉल जो जब जैसे कोई बैट्समैन सिक्स मारता है तो बॉल जिस पाथ को फॉलो करती है, जिस ट्रेजेक्टरी को फॉलो करती है, वो ट्रेजेक्टरी कैसी होती है? प्रोजेक्टाइल मोशन की, पैराबोलिक, ठीक है ना। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? किसी पत्थर को आपने फेंका तो उस पत्थर ने जो मोशन किया वो कैसा मोशन है? प्रोजेक्टाइल मोशन। बैट्समैन ने बॉल को हिट किया हवा में, कैसा मोशन है? प्रोजेक्टाइल मोशन है। कुछ एक दो तरीके के हैं, अगर बैट्समैन ने मारा और सीधे, जैसे आपने देखा होगा टॉप एज लगता है, बॉल सीधे ऊपर जाती है और विकेट कीपर कैच ले लेता है, ये सब केसेस उसमें काउंट नहीं होते हैं, अभी हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह के जो मोशंस हैं वो कैसे हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन इन 2 डायमेंशन। जैसे आप देखते हैं कि जब बैट्समैन सिक्स मारता है तो बॉल आ तो रही होती है इतनी हाइट पर, कुछ हाइट भी जाती है ऊपर और डिस्टेंस भी ट्रेवल करती है। तो मतलब देखिए, 2 डायमेंशंस में मोशन हो रहा है, एक तो वाई डायमेंशन में मोशन हो रहा है, बॉल इतनी हाइट पर थी, जमीन की हाइट पर थी, ऊपर भी गई और जिस पोजीशन में थी वहाँ से क्या गई, आगे भी गई, मतलब एक्स में भी मोशन हुआ, वाई में भी मोशन हुआ। तो ऐसा मोशन कैसा मोशन कहलाता है? प्रोजेक्टाइल मोशन या मोशन इन 2 डायमेंशन। चलिए इसके बारे में कुछ समझते हैं। ये मान लीजिए आपका ग्राउंड है, यहाँ से आपने किसी को यू वेलोसिटी से फेंका, हॉरिजेंटल से थीटा एंगल बनाते हुए, ठीक है। आपने यू वेलोसिटी से किसी पार्टिकल को फेंका थीटा एंगल बनाते हुए, देखिए हॉरिजेंटल ये है, हॉरिजेंटल ये है और ये एंगल कितना है? थीटा। तो ये कैसे जाता है? ये ऐसे मोशन करता है। क्यों करता है ऐसे मोशन देख लेते हैं। ये यू वेलोसिटी, ये थीटा एंगल है, तो इस तरफ अगर आप इसको क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, तो क्या आएगा? यू कॉस थीटा, और इस तरफ क्या आएगा? यू साइन थीटा। अब देखिए, इसके पास, इस पार्टिकल के पास 2 वेलोसिटी हैं, एक एक्स डायरेक्शन में है, एक वाई डायरेक्शन में है। तो आप जानते हैं कि जब 2 वेक्टर आपके पास होते हैं तो इनका रिजल्टेंट कहाँ से जाता है? इनके बीच से, मतलब ये चाह रहा है कि ऊपर जाए, ये चाह रहा है आगे जाए, जाएगा कहाँ? दोनों के बीच से। तो ये चाह रहा है इधर जाए, ये चाह रहा है इधर जाए, ये जाएगा कहाँ से? दोनों के बीच से। अब देखिए, जब भी कोई बॉडी मोशन करती है तो उस पर डाउनवर्ड एक क्या लगता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये हमेशा कहाँ पर काम करता है? डाउनवर्ड, निगेटिव वाई एक्सिस में। अब देखिए, यहाँ पर कुछ टर्म है जो हमको समझने हैं। ये प्रोजेक्टाइल गया 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 गया, ये एक मैक्सिमम पॉइंट पर, हाइट पर पहुंचा। इस मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद इसकी हाइट कम होने लगी। तो ये जो पॉइंट है, ये जो हाइट है, इसको बोलते हैं हम लोग H। H क्या है, अभी मैं आगे डिटेल में लिख दूंगा, H फॉर मैक्सिमम हाइट। फिर ये नीचे आया तो जितना इसने हॉरिजेंटल डिस्टेंस ट्रेवल किया इसको बोलते हैं R, हॉरिजेंटल रेंज, मतलब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पर जहां ये जाके गिरा, कितना हो गया? R, ठीक है ना। अब यहां से जाकर यहां तक आने में जो इसको समय लगा, वो समय है आपका T, कैपिटल T, टाइम ऑफ फ्लाइट। ये सब क्या है अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है। ये चीजें हो गई। देखिए, ये ऊपर जा रहा है, एक समय बाद मैक्सिमम हाइट पहुंचकर नीचे क्यों आ रहा है, इसको भी समझ लेते हैं। ऊपर जाने वाली वेलोसिटी कौन सी है? यू साइन थीटा। ये वेलोसिटी कहां जा रही है? ऊपर। नीचे क्या लग रहा है आपका? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन करता क्या है? अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी को बढ़ा देता है,
अगर डायरेक्शन के अपोजिट है तो वेलोसिटी को घटा देता है। अपोजिट है, ये बॉडी कहाँ जा रही है? ऊपर। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहाँ लग रहा है? नीचे। तो ये क्या करेगा? इसकी स्पीड को घटाएगा। तो स्पीड क्या हुई? घटते 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 यहाँ पर जीरो। अब जब ये नीचे आने लगा तो वेलोसिटी भी नीचे और एक्सेलरेशन भी नीचे, तो वेलोसिटी बढ़ते 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 फिर ये कहाँ आ गया? नीचे आ गया। याद रखिएगा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी, ठीक है ना। चलिए अब इसके बारे में हम लोग कुछ लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या हैं यहाँ पर। थीटा, थीटा को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, हिंदी में प्रक्षेपण कोण, मतलब जिस कोण से फेंका गया है, ठीक है। एच आपका क्या है? मैक्सिमम हाइट, हिंदी में बोलते हैं महत्तम ऊंचाई, महत्तम ऊंचाई, ठीक है। क्या है ये? महत्तम ऊंचाई। क्या है ये? मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस? वर्टिकल डिस्टेंस, मतलब ऐसे वाली डिस्टेंस अचीव्ड बाय प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल के द्वारा वर्टिकली जो मैक्सिमम क्या की गई है, डिस्टेंस अचीव की गई है, वो क्या है? मैक्सिमम हाइट। फिर आपका आता है देखिए आर, आर को बोलते हैं हॉरिजेंटल रेंज, हिंदी में क्षैतिज परास। ये क्षैतिज परास क्या है? हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल, ठीक है। फिर लास्ट में क्या बचता है आपका? टी, टी को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, हिंदी में से बोलते हैं उड्डयन काल। क्या है? टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू कंप्लीट इट्स पाथ या ट्रैजेक्टरी। अपने पाथ को पूरा करने में जो समय लगता है उसे उसे क्या बोलते हैं हम लोग? टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अब निकालते हैं ये जो हमने पैरामीटर्स लिखे हैं इनकी वैल्यू क्या हो सकती है। डायग्राम को बना रहने देंगे। चलिए अब हमको मोशन कंसीडर करना है, एक्स डायरेक्शन का भी और वाई डायरेक्शन का भी। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो याद रखें मोशन हमेशा अलग अलग डायरेक्शन का कंसीडर करें। जो चीज़ आप निकालने जा रहे हैं उसमें देखिए किस मोशन का योगदान है। जैसे अगर सपोज दैट मैं आपसे पूछूं कि ये जो हॉरिजेंटल रेंज है ये किस वेलोसिटी की वजह से आ रही है, ये आ रही है इस वेलोसिटी की वजह से, हॉरिजेंटल वेलोसिटी की वजह से, तो हम लोग किसको लेंगे, इस वेलोसिटी को लेंगे, ठीक है ना। ये जो मैक्सिमम हाइट आ रही है ये किसकी वजह से आ रही है, ये आ रही है इस वेलोसिटी की वजह से, तो हम लोग किसको लेंगे, इसको लेंगे। अच्छा दूसरी चीज़, साइन कन्वेंशन आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी हम लोग पॉजिटिव वाई में ट्रेवल करते हैं तो क्या लेते हैं, पॉजिटिव। जब निगेटिव में मतलब ऊपर का जो भी मोशन है वो पॉजिटिव, नीचे का जो भी मोशन है वो निगेटिव, इसी तरह दाहिने तरफ का जो राइट साइड का जो पूरा मोशन है वो पॉजिटिव और लेफ्ट का पूरा मोशन निगेटिव। ये किसी डॉक्टर ने नहीं कहा है, ये आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कि जो एक बार आप लें वही आप हर जगह लें, ठीक है ना, बार बार चेंज ना करें, ठीक है ना। तो देखिए एक्स डायरेक्शन में क्या हो रहा है, एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो है यू कॉस थीटा, और एक्स डायरेक्शन में क्या कोई एक्सेलरेशन है, बिल्कुल नहीं है, एक्सेलरेशन केवल वाई में है। तो एक्स का एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो। अब जब x का एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका मतलब जो x की वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट। भाई अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट, न्यूटन बाबा का नियम है ये। y डायरेक्शन में आ जाइए तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू वाई कितना है, यू साइन थीटा, ए वाई कितना लेंगे, माइनस जी, याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि नीचे है, डाउनवर्ड है। अच्छा ये वेलोसिटी क्या होगी भाई, ये फाइनल वेलोसिटी की बात थी वी एक्स की, यहाँ पर वी वाई की बात क्या हो जाएगी, देखिए क्या हो रहा है, वेलोसिटी को समझिए, पहले ये डिक्रीज होगी, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन कहाँ है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो फर्स्ट इट डिक्रीजेस देन बिकम्स जीरो, कहाँ पर जीरो होगी, इस पॉइंट पर, एंड देन इंक्रीजेस, क्यों, क्योंकि इसके बाद क्या होगा, दोनों किस में आ जाएंगे, सेम डायरेक्शन में। ठीक है अब हमको निकालना है एक एक करके, टी भी निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, एच भी निकालना है, और क्या क्या निकालना है, आर भी निकालना है। ठीक है बात क्लियर है, इसको नोट करिए आप लोग। अब देखिए मुझको निकालना है टी, टी क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने का पूरा टाइम। अब आप बताइए जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा, तो मैं यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालूंगा, उसको दो से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये पूरा टाइम मुझे मिल जाएगा। मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो स्मॉल टी है, और यहाँ से यहाँ तक का भी टाइम कितना होगा, स्मॉल टी होगा, तो टी प्लस टी कितना हो जाएगा, टू टी। तो चलिए आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, आप मोशन कंसीडर करेंगे इन वाई डायरेक्शन, तो मोशन इन वाई डायरेक्शन, चलिए देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू साइन थीटा, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, समझिए यहाँ पर जाने पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है, जीरो हो रही है ना, एक्सेलरेशन कितना है, माइनस जी। चलिए तो लगाइए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v कितना है, जीरो, u कितना है, u साइन थीटा, a कितना है, माइनस जी टी, इसको इधर ले आइए, तो जी टी बराबर u साइन थीटा, तो t बराबर u साइन थीटा बटे g,
ये क्या हो गया टी, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, कैपिटल टी बराबर टू टी, तो टू यू साइन थीटा डिवाइड बाई जी। इस फॉर्मूले को आप लोग याद कर लेंगे, जी क्या आ गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। नोट कर लें, इसके बाद हम लोग निकालेंगे मैक्सिमम हाइट। ये हम लोगों ने कहां से कहां तक का मोशन लिया है, यहां पर ए से बी, इस पॉइंट को आप ए मान लीजिए और इस पॉइंट को आप बी मान लीजिए, ठीक है। नोट हो गया, चलिए अब हम निकालने जा रहे हैं मैक्सिमम हाइट। चलिए फिर से ले लीजिए, क्या लेना है, मोशन इन वाई डायरेक्शन, कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है भाई, यू साइन थीटा, वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, जीरो, एक्सेलरेशन कितना है, माइनस जी, और एस डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, कहाँ से नीचे से ऊपर जा रहे हैं, कितना एच। तो आप लगाइए वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, वी जीरो हो गया, यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू जी एच। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इसको इधर ले जाइए, ठीक है ना। तो देखिए टू जी एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो एच कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई टू जी। क्या आ गई है आपकी मैक्सिमम हाइट, नोट कर लें।
चलिए अब हम लोग निकालेंगे हॉरिजेंटल रेंज यानी कि क्षैतिज परास। आर इस पॉइंट को सी मान लीजिए, कहाँ से कहाँ तक जाना है, ए से सी तक। देखिए एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा, तो हम लोग फार्मूला लगाते हैं ये वाला प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। तो क्या बचता है, केवल यू टी। ये वही है, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये कब काम करता है, जब एक्सेलरेशन ना हो, तो वही आ गया। तो एस आपका कितना है आर, यू कितना है यू कॉस थीटा। अब देखिए टाइम रखना है, इसको पहली बात तो आप कैपिटल टी रखिए, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना, कैपिटल टी रखिए, आप स्मॉल टी और कैपिटल टी में कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए खुद सोचिए, क्या जितना टाइम इसको यहाँ से यहाँ आने में लग रहा है, क्या उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ जाने में लग रहा है। सोचिए जितना टाइम इसको यहाँ आने में इस पाथ को कवर करने में लगा, क्या उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में लगा। भाई बिल्कुल लगा। सोचिए आपने किसी पत्थर को फेंका, तो 2 सेकंड में मान लीजिए ऊपर से नीचे गिरा, तो 2 ही सेकंड में तो यहां से वहां तक जाएगा। समझ रहे हैं ना, जितना टाइम यहां से यहां तक लगेगा उतना ही टाइम यहां से यहां तक। तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना निकाला था आपने, याद करिए, 2u sin थीटा डिवाइड बाई जी, ठीक है ना। अब देखिए u u u स्क्वायर 2 sin थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई जी, तो यू स्क्वायर 2 sin थीटा कॉस थीटा होता है sin 2 थीटा डिवाइड बाई जी। ये आ गया आपका हॉरिजेंटल रेंज। नोट करने से तीनों फॉर्मूले आपको मिल चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब।
और देखते हैं इस पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, चलिए। चलिए, मैं एक बार तीनों फॉर्मूले मैं एक बार लिख दूं, उसके बाद हम लोग आगे न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, टी आपने निकाला है 2u sin थीटा डिवाइड बाई जी, एच आपने निकाला है u² sin² थीटा डिवाइड बाई 2g, और आर आपने निकाला है u² sin 2 थीटा डिवाइड बाई जी। चलिए, पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे। पहले एक दो सिंपल क्वेश्चन है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। कह रहा है, ए बॉल इज थ्रोन विद 5 मीटर पर सेकेंड एट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री। कह रहा है फाइंड टी कॉमा एच कॉमा आर, और जी की वैल्यू आप ले सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है कि आपका जो यू है वो कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड, थीटा है आपका 30 डिग्री। तो देखिए, और जी आपसे कह रहा है 10 है, तो टी निकालना है आपको। तो देखिए, 2u sin थीटा डिवाइड बाई जी, तो 2u कितना है भैया, 5 sin थीटा, sin 30 की वैल्यू 1/2, और ये 10। देखिए, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और 5/10 यानी कि 1/2 यानी कि 0.5 सेकेंड आ जाएगा क्या आपका टी। और क्या निकाल सकते हैं, एच निकाल लीजिए, क्या है u² sin² थीटा 2g, u² 25 sin² थीटा, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, और ये कितना हो जाएगा, 2 × 10 यानी कि 20। तो चलिए, 25, और ये कितना हो जाएगा, 4 नीचे आएगा, कितना हो जाएगा, 80। तो 5 5 = 25, 5 16 = 80, तो कितना आया, 5/16 मीटर, एच आ गया। और क्या निकाल सकते हैं, आर भी निकाल लीजिए, u² sin 2 थीटा डिवाइड बाई जी, तो 25 sin 2 थीटा, तो साइन कितना हो जाएगा अब, 60, और डिवाइड बाई 10। देखिए, 25 sin 60 होता है √3/2, और नीचे 10, तो ये आ गया √3 × 25, और नीचे कितना हो जाएगा, 20, तो 5 4 = 5 5 = तो 5√3/4 मीटर, कितना आ गया ये आपका, आर आ गया। बोलिए, क्लियर है, नोट कर लीजिए।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए लिखिए क्वेश्चन। ए बुलेट इज फायर्ड विद 1000 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजेंटल फाइंड नंबर वन टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, नंबर दो टोटल टाइम ऑफ इट्स मोशन, नंबर तीन स्पीड एट विच इट हिट द ग्राउंड, नंबर चार मैक्सिमम हाइट और नंबर पांच हॉरिजेंटल रेंज। ठीक है, एक बुलेट है जिसको 1000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 30 डिग्री के एंगल पर क्या किया गया है, फायर किया गया है, मतलब चलाई गई है। ठीक है ना, मतलब ऐसे नहीं चलाई गई, ऐसे चलाई गई है ताकि ऐसे जाएगी। तो आपसे पूछ रहा है टोटल टाइम, मतलब पहले पूछ रहा है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। याद करिए ये आपका डायग्राम था, यहाँ से जाती थी ऐसे, तो मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में ये जो समय लगता था स्मॉल टी और फिर नीचे आने में टी, तो पूरा टाइम कितना होता था, टी बराबर 2t। तो पहले पार्ट में आपसे स्मॉल टी पूछ रहा है और दूसरे में क्या पूछ रहा है, टोटल टाइम। ठीक है ना, चलिए निकालने का कोशिश करिए और निकालिए इसका आंसर निकालिए। पहले आप लोग करें फिर हम करेंगे।
चलिए, तो अभी तक आप लोगों ने कर लिया होगा, जिसने नहीं किया वो देखे यहाँ। अब देखिए पहला और दूसरा देखिए, टाइम टू टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, मतलब ये, और दूसरे में पूछ रहा है टोटल टाइम ऑफ इट्स मोशन। तो या तो आप पहले दूसरा वाला निकाल के दो से डिवाइड कर दें, या पहला वाला निकाल कर दो से मल्टीप्लाई कर दें, कुछ भी कर सकते हैं। तो टी देखिए क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा डिवाइड बाई जी, याद करिए हम लोगों ने पहले इसको निकाला हुआ है, स्मॉल टी की बात हो रही है यहाँ, स्मॉल टी। तो देखिए यू कितना है 1000, साइन थीटा, साइन टी, साइन तीस होता है एक बटे दो, और जी है आपका 10। तो देखिए कितना हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, और दो से सौ में भाग देंगे तो कितना आएगा 50 सेकेंड, ठीक है ना। और दूसरा वाला कितना हो जाएगा, कैपिटल टी 2×50 यानी कि 100 सेकेंड। भाई 50 सेकेंड यहाँ से यहाँ तक जाने में, 50 सेकेंड यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो बाकी के 50 यहाँ से यहाँ तक आने में, ठीक है ना। तीसरा पार्ट देखिए क्या पूछ रहा है, स्पीड एट विच इट हिट द ग्राउंड। मैंने पहले बताया था जिस स्पीड से आप फेंकेंगे ग्राउंड में जाके उसी स्पीड पर हिट करेगा, तो 1000 मीटर पर सेकेंड। फोर्थ देखिए मैक्सिमम हाइट, तो h क्या होता है देखिए, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, u स्क्वायर मतलब 1000 × 1000 साइन 2 थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1/4 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4, और 2×10, 2×10। चलिए इसको मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो h बराबर देखिए क्या हो गया, 4 को नीचे ले आइए, तो 1000 × 1000 2×10×4, 1 4 1 0 से 1 0 हटा दीजिए, ठीक है। इस 4 से इसको कैंसिल करिए तो 25 हो गया, इस 2 से इसको कैंसिल करिए तो 500 हो गया, 25 × 5 = 125, और 2 0 बढ़ा दीजिए, कितना मीटर, क्या आ गया ये आपका आंसर 12500 मीटर, या इसको क्या लिख सकते हैं आप 12.5 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट में आपको क्या निकालना है, हॉरिजेंटल रेंज, इसको भी देख लीजिए, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी, तो यू स्क्वायर 1000 × 1000 साइन 2 थीटा मतलब साइन 60 हो जाएगा, साइन 60 होता है √3/2, और इधर 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दीजिए, √3 कितना होता है 1.732, और ये कितना है 100, और ये कितना है 1000, और नीचे कितना बचा 2, सही है। तो देखिए कितना आ गया, ये दोनों जीरो से यहाँ कर दीजिए तो ये हो जाएगा 173/2 और 1000, 173 कितना होता है 85 170 86, तो 8.6×10^4 86 आएगा, 1 इधर बढ़ा दिया और इधर कर दिया तो मीटर, ठीक है, या 86 किलोमीटर लगभग, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका आंसर 86 किलोमीटर, भी इसको लिख सकते हैं आप 86 किलोमीटर, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए,
चलिए और कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब ये तो हो गए बेसिक क्वेश्चंस कि आपको वैल्यू सारी दे दी हैं और आपको क्या रखना है, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। तो बड़े बेसिक लेवल के क्वेश्चंस थे। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है आपका, इफ हॉरिजेंटल रेंज इज 4 times, इफ हॉरिजेंटल रेंज इज 4 times ऑफ मैक्सिमम हाइट, देन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विल बी, और आपके ऑप्शंस हैं 0, 30, 45, 60। ठीक है, कह रहा है इफ हॉरिजेंटल रेंज इज 4 times ऑफ मैक्सिमम हाइट देन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विल बी। कह रहा है आर बराबर है 4 times मैक्सिमम हाइट के, आर होता क्या है यू स्क्वायर साइन 2θ डिवाइड बाई जी, यहाँ क्या हो गया 4, एच कितना होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। ठीक है, चलिए देखिए यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, g से g कैंसिल कर दीजिए, साइन 2θ तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर, देखिए 2 2 जा 4, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, 1 साइन थीटा से 1 साइन थीटा, तो कॉस थीटा बराबर आ गया साइन थीटा। थीटा की किस वैल्यू के लिए कॉस और साइन बराबर होते हैं, तो 45 के लिए बराबर होते हैं। अगर आपको इस तरह याद ना आ रहा हो तो आप डिवाइड कर दीजिए, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा 1 हो जाएगा, साइन बटे कॉस टैन होता है, और टैन में ये 45 डिग्री की वैल्यू होती है, कितना 1। तो 45 डिग्री में जो आपका हॉरिजेंटल रेंज है वो 4 times होगा किसके, मैक्सिमम हाइट के। ठीक है ना, नोट करें फटाफट। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है, फॉर मैक्सिमम रेंज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन
शुड बी। आपके ऑप्शंस हैं 30, 45, 60 और 90। क्या कह रहा है? मैक्सिमम रेंज के लिए। तो रेंज क्या होती है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। थीटा के बारे में पूछ रहा है, तो जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा तब क्या होगा? आर मैक्सिमम होगा। फॉर आर मैक्स साइन 2 थीटा मैक्स। साइन देखो, साइन में किसी भी की भी एंगल की जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। किस में होती है? 90 में। तो मतलब 2 थीटा को किसके बराबर होना पड़ेगा? 90 के। तभी साइन 90 कितना होगा? 1। तो थीटा कितना होना पड़ेगा? 45। जब थीटा 45 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 45 इंटू 2 90, साइन 91। और ये क्या है? मैक्सिमम वैल्यू। तो 45 इज द करेक्ट आंसर। नोट करें। नोट करें तुरंत। चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन, फॉर विच प्रोजेक्शन एंगल्स ए प्रोजेक्टाइल कवर्स इक्वल रेंज। ठीक है, आपसे कह रहा है 20 एंड 40। बी आपसे कह रहा है 30 एंड 60। सी आपसे कह रहा है 30 एंड 45। और डी आपसे कह रहा है 45 एंड 60। कह रहा है ऐसे कौन से दो एंगल्स हैं, पेयर ऑफ एंगल्स हैं, जिसके लिए जो आपका रेंज है यानी कि आर, वो क्या रहेगा? बराबर रहेगा। तो याद रखें आप हमेशा, फॉर थीटा एंड 90 माइनस थीटा, ये है उन एंगल्स का पेयर जिसके लिए रेंज क्या होती है? इक्वल होती है। आप ट्राई भी कर सकते हैं। थीटा 90 माइनस थीटा, पहले तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सा मिल रहा है। तो ऑप्शन मिल रहा है 30 और 60। 30 रखिए, 30 रखेंगे तो 2 थीटा कितना हो जाएगा? 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। ठीक है ना। और 60 रखिए तो कितना हो जाएगा? 120। साइन 120 की वैल्यू भी कितनी होती है? साइन 120 क्या हो जाएगा? कॉस 30, उसकी वैल्यू भी √3/2। तो दोनों की वैल्यू √3/2, यानी कि रेंज क्या आ जाएगी? इक्वल। किसी भी आप ऑप्शन के लिए चेक कर सकते हैं। जैसे अगर आपको ऑप्शन में दिया हो 20 डिग्री एंड 70 डिग्री, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। और ऑप्शन क्या लिख सकते हैं? 10 डिग्री एंड 80 डिग्री, तो भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो थीटा और 90 माइनस थीटा। अच्छा, एक चीज हमने शुरू में बताई आपको किसके बारे में? प्रोजेक्टाइल एंगल के बारे में। तो ये जो थीटा आता है, ये जो थीटा है, ठीक है, ये जीरो नहीं होना चाहिए और ये थीटा 90 नहीं होना चाहिए। मतलब जीरो से बड़ा हो थीटा और 90 से क्या हो? छोटा। जब जीरो पे आप फेंकेंगे तो कैसे जाएगा वो? मतलब ग्राउंडेड शॉट, जैसे फोर गया। 90 पे मारेंगे तो क्या होगा? ऊपर जाएगा, विकेट कीपर कैच कर लेगा। जब इनके बीच में मारेंगे तब कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल होगी। और 45 पे, अभी आपने इसके पिछले वाले क्वेश्चन में देखा, 45 पे मारेंगे तो सबसे ज़्यादा दूर जाएगी। तो अगर आपको बड़े बड़े सिक्स मारने हैं तो आप किस एंगल पे मारें? 45 पे। बात क्लियर है। और थीटा और 90 माइनस थीटा को याद रखिएगा कि इसमें क्या होता है? इक्वल रेंज कवर होती है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन आपसे कह रहा है द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज 30i cap + 40j cap मीटर पर सेकेंड। क्या आपसे कह रहा है फाइंड थीटा कैपिटल टी एच एंड आर। कह रहा है आपसे थीटा बताइए, मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताइए, टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए, मैक्सिमम हाइट बताइए, हॉरिजेंटल रेंज बताइए। आई कैप और जे कैप में आपको वेलोसिटी दी है। आई कैप में क्या होती है वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, आई कैप का मतलब एक्स एक्सिस, तो यानी कि यू कॉस थीटा आपको कितना दिया है 30 और यू साइन थीटा कितना दिया है 40। दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा आ जाएगा 4/3, तो टैन थीटा बराबर 4/3। यहाँ से थीटा निकालना है तो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा 53 वाला ट्रायंगल, तो 53 में यहाँ क्या होता है 4 और यहाँ क्या होता है 3 और यहाँ 5। टैन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लंब बटे आधार, तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा 53 डिग्री। ये क्या हो गया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। चलिए दूसरे में क्या निकालना है आपको टी, 2u sin थीटा डिवाइड बाई जी, तो 2u sin थीटा कितना है 40/10, 0 से 0 कैंसिल 8 सेकेंड। और क्या निकालना है h निकालना है, क्या होता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, तो देखिए क्या हो जाएगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। क्या मैं इसको u sin थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। u sin थीटा कितना है 40, तो 40×40 और नीचे 2×10, 2×10 = 20, 20×40, 40×80 मीटर h निकल आया। अब क्या निकालना है r, r क्या होता है आपका u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइड बाई जी, तो u स्क्वायर देखिए u स्क्वायर sin 2 थीटा, तो 2 बाहर लिख लिया, साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई जी 2। यू स्क्वायर में एक u दीजिए साइन थीटा के साथ, तो u साइन थीटा, और एक u दीजिए कॉस थीटा के साथ, तो u कॉस थीटा डिवाइड बाई जी। एक की वैल्यू कितनी है 40, एक की वैल्यू कितनी है 30 और एक की वैल्यू नीचे कितनी है 10, तो 2×5 = 10, 5×8 = 40, 8×3 = 24, कितना आ गया 240 मीटर हॉरिजेंटल रेंज। बात क्लियर है ना, नोट कर लीजिए। ठीक है ना, तो ये हमने क्या देखे प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉन्सेप्ट और उससे जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।